नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना में जहाँ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, कई मुकामात पर बारिश हो रही है और ये भी कहा जा रहा है, IMD ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है, महकमा मौसमियात ने वाज़ेह तौर पर येल्लो अलर्ट जारी कर दिया है हैदराबाद के लिए और मुदाफाती इलाकों के लिए, और आइंदा 2 दिनों तक ये येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो बहरहाल एक तरफ बारिश ने आवाम को परेशान कर रखा है और आपने देखा कि किस तरह कल बारिश के नतीजे में और बिजली कड़ गिरने के नतीजे में कम से कम 7 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए और ख़ुद हैदराबाद में एक 45 साल शख्स बह गया था जिसकी लाश बरामद कर ली गई है और उसकी शिनाख्त भी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ सियासी बारिश है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुदरती बारिश ने भी इंसान को परेशान कर रखा है। आज की जो अहम खबर है, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि फिल वक्त रियासत तेलंगाना में जो सियासी तूफान बरपा होने वाला है वो होगा रेवंत रेड्डी यानी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और KTR के दरमियान जो लफ्जी जंग जारी है, और जिस तरह का रेवंत रेड्डी के हामी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं KTR पर कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ, तो फिर BRS के कारकुन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं कहा, किसी का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम शराबियों को और लुटेरों के मुजस्मे नसब नहीं करते बल्कि उन शख्सियतों के मुजस्मे नसब करेंगे जो मुल्क की तरक्की में जिनका अहम किरदार रहा हो। इस सिलसिले में राजीव गांधी उनकी उन्होंने मिसाल दी है, और आपको बता दूं कि राजीव गांधी का जो मुजस्मा है वो सेक्रेटरीट के सामने नसब किया जा रहा है, जबकि तेलुगु तल्ली का जो मुजस्मा है वो सेक्रेटरीट के अहाते में नसब कर दिया जाएगा। लेकिन KTR का इल्ज़ाम है कि जिस यानी तेलुगु तल्ली के मुजस्मे के तनसीब के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया था उसी जगह पर राजीव गांधी का मुजस्मा नसब करने का चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, जो गलत बात है। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि IT सेक्टर में हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ाने में और टेक्नोलॉजी के शोबे में हिंदुस्तान को आगे लाने में राजीव गांधी का अहम किरदार है। तो बहरहाल सज्जा साहब, आप देखेंगे कि किस तरह लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है KTR के दरमियान और रेवंत रेड्डी के दरमियान, लेकिन हालात तो ऐसे लगते हैं कि जिस तरह कविता फिल वक्त जेल में है, आने वाले दिनों में KTR भी जेल में हो सकते हैं। जी देखिए, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये जंग, जो लफ्ज़ जंग शुरू हुई थी, वो जो है एक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। KTR ने जो है बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पे इस तरह के रिमार्क पे रेवंत रेड्डी का बरहम होना फितरी बात है। तो वो शदीद बरहम हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है मुजस्मे को जो है हाथ लगा के देखिए, हम जो है तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्मा नसब करेंगे। उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना जो है कांग्रेस ने दिया था, लेकिन ये जो BRS हुकूमत है, साबिका हुकूमत BRS की पार्टी है, वो ऐसा मालूम होता है कि वो तेलंगाना को जो है अपनी जागीर समझती है। ये रेवंत रेड्डी के जो है बयान थे। बहरहाल हम देख रहे हैं कि 16 बयानी में बदल गए हैं उनकी बयानबाजी, और इंतहाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। यकीनन देखिए, रेवंत रेड्डी ने माजी में भी कहा है, जब से वो इख्तदार में आए हैं उस वक्त से वो मुसलसल कह रहे हैं कि बहुत सी जो है सरकार में माली बेकायदगियाँ हुई हैं, साबिका सरकार में बहुत सारे जो है, चाहे कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे दीगर जो है प्रोजेक्टों की बात हो, उसमें धांधलियों की खबरें जो है आम हो रही हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की जो है बातें हो रही थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि एक मौके पे ऐसा मालूम हो रहा था कि KCR को किसी ना किसी मामले में जो है मुलविस किया जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ जो है किसी ना किसी मामले में केस बन सकते हैं। तो बहरहाल जो है, जैसा कि आपने जो है इशारा दिया कि क्या KTR मुस्तकबिल में गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो अब ये देखने वाली बात ये है कि ये जंग सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रहेगी
या फिर ये आगे बढ़ती है और इंतकामी कार्रवाइयाँ कहिए आप या फिर जो है साबिका मामलात कहिए, साबिका मामलात को लेकर शिद्दत आती है जंग में, ये देखने वाली बात होगी। सज्जन साहब, आपको याद होगा कि जिस वक्त रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनकी बेटी की मंगनी हो रही थी, फिर उसकी शादी के मौके पर उन्हें पैरोल पर भी रिहा किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस अंदाज में उन्हें तकलीफ दी गई है, हो सकता है कि उस तकलीफ का एहसास रेवंत रेड्डी को कहीं ना कहीं ज़रूर होगा और वो चाहेंगे कि उसका बदला ज़रूर लें। लेकिन आप देखेंगे कि जैसा कि आपने भी कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो या कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर माली बेखर्चियों या करप्शन या बदगुमानियों के इल्जाम या शकूक व शुबात ज़ाहिर किए गए हैं और कई कमीशन्स भी कायम किए गए हैं, बनाए गए हैं उनकी तहकीकात के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते भी हैं। ये बिल्कुल, देखिए यहाँ एक अहम बात ये है कि इख्तदार संभालने के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा था कि जिस रियासत को नफे बख्श रियासत के तौर पे जो है हवाले किया गया था, टीआरएस हुकूमत जब बनी थी वहाँ पे इख्तदार में आई थी, तो उस वक्त तेलंगाना की रियासत नफे बख्श रियासत थी, बहुत ही ज़्यादा जो है नफे बख्श रियासत थी। लेकिन उनका ये कहना है कि अफसोसनाक पहलू ये है कि आज ये रियासत जो है मखरूज रियासत होके रह गई है। तो उनका ये कहना है कि अभी देखिए मुख्तलिफ जो है आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाइयाँ होती रही हैं और बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगते रहे हैं, अभी बाज़ाबता कार्रवाइयों का आगाज़ तो नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जो है ये इनकम टैक्स की तरफ से जो है कुछ कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पे होंगी, तो वो साबिका ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन अभी ऐसा कोई अमल यहाँ शुरू नहीं किया गया। यकीनन देखिए मार्च के महीने में रेवंत रेड्डी की सरकार इख्तदार में आई है, अभी इनकी सरकार को 100 दिन या उससे कुछ ज़ायद हुए हैं और इन 100 दिनों के दौरान में हमने देखा कि रेवंत रेड्डी को मौका नहीं मिला। इलेक्शन थे एमपी के, फिर जो है वो प्रजा पालना स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करने के में उलझी हुई थी सरकार, इलेक्शनों में उलझी हुई थी, इलेक्शन खुद 3 महीने इलेक्शन का लंबा प्रोसेस रहा है, और अब जो है जाके बजट सेशन हुआ, बजट सेशन के बाद अब ये सरकार कांग्रेस की रूटीन में आई है। तो जब रूटीन में आते हैं तो फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इकदाम किए जाते हैं। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ हुई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको घर से उठाया गया था, उनको जेल में मुंतकिल किया गया था, बहैसियत एमपी जो है उनका उनकी गिरफ्तारी है, वो जब एमपी थे तब उनको जो है रातों रात गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल जो है ये बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन पहली बार हमने देखा कि रेवंत रेड्डी ने बहुत ही जारहाना लब लहजा इस्तेमाल किया है, जबकि टीआर ने कहा कि हम जो है मुजस्मा हटा देंगे यहाँ से, हम एयरपोर्ट का नाम भी बदल देंगे। तो उस वक्त हमने देखा कि रेवंत रेड्डी ने भी गैज़ वज़ब का जो है मुजाहरा किया है और बहुत ही जारहियत के साथ उन्होंने जो है इसका जवाब दिया है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि यहाँ राजीव गांधी का मुजस्मा नहीं होगा तो क्या तुम्हारे बाप का मुजस्मा होगा, इस तरह की जो है कमेंट भी जो है उन्होंने किए हैं। तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पहली बार जो है KTR रेवंत रेड्डी या फिर जो है BRS और वर्सेस रेवंत रेड्डी के बीच जो है इस तरह की जो है सख्त तरीन जो है अल्फाज का तबादला देखने में आया। वज़ीर नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना की तशहील का मामला है, तेलंगाना को सारे हिंदुस्तान में कम उम्र तरीन रियासत होने का एजाज़ हासिल है। और आपको ये भी बता दूँ कि जिस वक्त तेलंगाना यानी मुत्तहद आंध्र प्रदेश मुनकसिम हुआ और तेलंगाना एक रियासत की सूरत में तश्कील पाई, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रियासत तेलंगाना पर सिर्फ 75,000 करोड़ रुपये का खर्च था। लेकिन उससे पहले पर और उसके बाद आप देखेंगे कि जब BRS हुकूमत आई, KCR की हुकूमत आई, 2 मियादों के दौरान ये कर्ज़ बढ़कर 7 लाख करोड़ से ज़ायद हो गया।
तो यही रेवंत रेड्डी कहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि खर्ता से अभियत यानी वाइट पेपर भी जारी कर दिया गया था। आपको ये भी बताऊं कि 9 दिसंबर को इन्होंने अपनी हुकूमत का हलफ लिया था रेवंत रेड्डी, यानी 9 दिसंबर छोड़िए अब जनवरी से लेकर आज की तारीख तक, यानी अगस्त का माह आ गया है, यानी अब ख़त्म होने की तरफ रवा दवा है। तो ऐसे में जिस अंदाज में रेवंत रेड्डी ने कोशिश की है कि किसी तरह जो सूद था सजा साहब, तकरीबन 46 हज़ार करोड़ पे सूद अदा किया गया है, और ख़ुद रेवंत रेड्डी जनवरी से लेकर आज तक जो बैरूनी दौरे के हैं, चाहे डेवस का हो, अमेरिका का हो, जनूबी कोरिया का हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन 76 हज़ार करोड़ रुपये के सरमायाकारी रियासत तेलंगाना में करने के लिए उन्होंने बैरूनी सरमायाकारों को और मुल्की सरमायाकारों को रागिब किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक अलहदा रियासत तेलंगाना का सवाल है, इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, सोनिया गांधी को जाता है, गांधी खानदान को जाता है, इसलिए कि आप देखेंगे कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही रियासत तेलंगाना को अलग करने का फैसला किया, उसके बाद आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना भी कांग्रेस इख्तदार से महरूम हो गई और आंध्र प्रदेश भी कांग्रेस इख्तदार से महरूम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने अपनी हुकूमत की, अपने इख्तदार की कुर्बानी दे दी, लेकिन रियासत तेलंगाना का जो ख्वाब था उसे शर्मिंदा ताबीर करने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सन 2013 में जब जो है कांग्रेस इख्तदार में थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे उस वक्त जो है कांग्रेस ने ये तेलंगाना को कायम करने का जो है प्रोसेस शुरू किया था। उस वक्त कांग्रेसी लीडरों ने इंतबाह भी दिया था, ख़ासतौर पर यहाँ के जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और जो है आंध्राई लीडरों ने तो बहुत सख्त जो है एहतजाज किया था। यहाँ तक के उस वक्त जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे किरण कुमार रेड्डी, उन्होंने तो इस्तीफ़ा तक दे दिया था अपने अहदे से, आपको याद होगा। बहुत शदीद उन्होंने मुखालिफत की थी, और जितने आंध्रा के जो है यहाँ पे इख्तदार में लोग मौजूद थे यहाँ पे, सभी ने कहा था कि तेलंगाना की तश्कील से जो है पार्टी को शदीद नुकसान हो सकता है, एक बहुत बड़ा जो है रिस्क लिया है, रियासत जो है हाथ से जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद रिस्क लिया गया, सोनिया गांधी ने जो है बाज़ाब्ता जो है काम जारी किए, रातों रात तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया। देखिए उस वक्त जब आंध्राई हुक्मरान ये कह रहे थे कि तेलंगाना तो आपके हाथ में आने वाला नहीं है, लेकिन आंध्रा भी आपके हाथ से निकल जाएगा, तो उस वक्त KCR ने यह तयक्कुन दिया था कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में दम कर दूंगा, उन्होंने वादा किया था, अगर आप अलहदा रियासत तेलंगाना कायम कर देते हैं, बना देते हैं, तो मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में दम कर दूंगा। ये KCR का वादा था, शर्त थी KCR की और कांग्रेस की शर्त थी कि हम तेलंगाना बना देंगे, आपको जो है पार्टी में दम होना चाहिए। लेकिन जब तेलंगाना की तश्कील अमल में आ गई, जब तेलंगाना की रियासत वजूद में आ गई सन 2014 में, तो उस वक्त अचानक पता नहीं क्या जो है सूरत हाल पैदा हुई कि जो है KCR ने अचानक पलटी खाई, अचानक जो है उन्होंने अपना वादा जो है से अपने वादे से इनहराफ किया, अपना वादा वफा नहीं किया, और अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि TRS जो है अपने बलबूते पे जो है तेलंगाना में इलेक्शन लड़ेगी। यकीनन इसका जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ वहाँ पे। यहाँ ये एक प्रोपेगेंडा ये भी हो गया कि तेलंगाना की क़याम के सबसे अहम वजह ये रही कि KCR की तहरीक की वजह से जो है तेलंगाना बना है, ये जो है आवाम में एक जहन बन गया था, पैदा किया गया, बिल्कुल एक तासुर पैदा किया गया, और इसका फ़ायदा KCR ने उठाया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 सालों तक ये फ़ायदा उठाया गया। बरहन नदीन एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं, उस खबर का ताल्लुक कबाइलियों से है और दर्ज फहरिस्त तबक़ात व कबाइल से है और तहफ़ुज़ात से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंटी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने जिन अंदाज में आवाम को ये बताने की कोशिश की कि मोदी हुकूमत और मोदी हुकूमत के जो आलादात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन हैं वो चाहते हैं कि पसमानदा तबक़ात के जो तहफ़ुज़ात हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी बतौर सबूत पेश किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलाजात के जो पसमानदा लोग हैं उनका बहाना बनाते हुए, क्रीमी लेयर में से जो गरीब हैं उनका बहाना बनाते हुए EWS शुरू किया, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का एक शोशा छोड़ा, और उसके बाद ये तहफ़ुज़ात में खलल अंदाजी की गई। ये दरअसल तहफ़ुज़ात को ख़त्म करने की एक साजिश है जो BJP बना रही है, जो RSS बना रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है और आपको बता दूँ कि फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि रियासती हुकूमतें दर्ज फहरिस्त तबक़ात व कबाइल और पसमानदा तबक़ात के जो ज़ैली ज़ुमरे हैं
उन्हें भी उनकी जैली जुमराबंदी करते हुए उन्हें भी तहफ़ुज़ात फराहम कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। इस पर जो कबाइली तनजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और अब कबाइलियों ने आज सारे मुल्क में बंद मनाने का ऐलान किया। लेकिन आपको बता दूं कि इस बंद को कांग्रेस की, BSP का और SP समाजवादी पार्टी और RJD के साथ साथ कम्युनिस्टों की तायद हासिल होने के बावजूद भी बाद रियासतों में ये बंद कामयाब रहा है या उसका असर देखा गया है। मिसाल के तौर पर झारखंड जो कबायली रियासत है पूरी, वहाँ पर बिहार में इसका असर देखा गया, राजस्थान के कुछ मुकामात पर इसका असर देखा गया। तो सज्जा साहब, आप ये बताइए कि क्या मोदी हुकूमत हकीकत में ये साजिश रच रही है कि किसी ना किसी तरह जो पसमानदा तबकात हैं उनके तहफ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आला ज़ात के जो जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए? ये देखिए, इन्होंने तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर को जो है मौका फराहम किया जाना चाहिए, जो मसावा, अब तो जो वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि SC, ST, BC, OBC के जो भी जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसमें मसावात होनी चाहिए। जी, अब वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि SC ST में भी जो है एक क्रीमी लेयर तबका बनाया जाना चाहिए जिसमें जो है कुछ तबकात के जो है निशानदेही की गई थी। तो इस बात को लेकर जो है SC ST में बेचैनी पाई जा रही थी। देखिए, मायावती ने तो खुल के कहा है कि BJP और RSS के नज़रियात के हामिल लोग यहाँ पे रिज़र्वेशन को कतई बर्दाश्त नहीं करते और रिज़र्वेशन को गैर मौसर करने के लिए इस तरह के जो है हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मायावती ने आज खुल के जो है ये बात कही है और उन्होंने कहा कि इस जो है एहतजाज को, इस बंद को, भारत बंद को उनकी पार्टी की भरपूर तायद हासिल रहेगी। अखिलेश यादव ने भी जो है तायद का ऐलान किया था, इस बंद की तायद का ऐलान किया था, जैसा कि अभी आपने कहा, कमर जमातें, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी मुख्तलिफ जो है अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बंद की तायद की गई और रिज़र्वेशन की हिमायत की गई और ये कहा गया कि रिज़र्वेशन में मुदाखलत की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी जी, बहर नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, माँ बाप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इंसान की ज़िंदगी में और उसे इंसानियत की तरफ ले जाने में। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे माशरे में, हालांकि ख़ास तौर पर जो मुस्लिम माशरा है, मुस्लिम माशरे में बैतुल मोमरीन या ओल्ड एज होम का कोई तसव्वुर नहीं था, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि ओल्ड एज होम का तसव्वुर अब ना सिर्फ आ गया है बल्कि फ़रोग भी पा रहा है। हर हद की अफसोस की बात यह है कि माँ बाप, जिनके बारे में कुरान मजीद में कहा गया है कि उनके सामने उफ तक ना कहो, हाल ये हो गया है कि जो नई नस्ल है और ख़ास तौर पर जो यानी अच्छी खासी उम्र के लोग भी हैं, वो अपने माँ बाप को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें एक बोझ समझते हुए बैतुल मामूरीन या ओल्ड एज होम मुंतकिल कर रहे हैं। बास तो आपको हम बता दूं कि गिरजाघरों में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं सज्जाद साहब, और बास तो ऐसे हैं कि वो यानी उनके लिए सर पर कोई छत नहीं है, तो यानी बेघर हो गए हैं। तो ऐसी औलाद यकीन मानिए कि बहुत इबरतनाक यानी सज़ाओं की मुस्तहिक होती है और अल्लाह अज़्जोजल उससे उसका जो हिसाब ले गया अल्लाह ताला, तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो बहरहाल माँ बाप के साथ इस तरह के जुल्म व ज़्यादती का कई कई वाक़ियात हमारे सामने पेश आ रहे हैं। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते। आपने देखा कि एक दो दो, दो या तीन दिन पहले खुद व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा था हमारे शहर हैदराबाद का, जहाँ पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, मैयत उनकी पड़ी हुई है और उनका कोई पुरसा निहाल नहीं है। लोग अतराफ घेरे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ औलाद पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औलाद को, यानी उनके दो ये तीन बेटों को वो फ़ोन कर रहे हैं कि अपने बाप यानी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और यहाँ उनकी तजहीज़ और तकफीन के लिए इंतजामात करने हैं, आप लोग तशरीफ़ लाइए। तो अंदाज़ा लगाइए कि उसी बाप के बेटे फ़ोन का कोई जवाब नहीं देते। कितनी शर्म की बात है, कितनी इबरत की बात है। मैं समझता हूँ कि वो माँ बाप जो आपको पैदा करते हैं, वो माँ बाप जो आपकी तरबियत करते हैं, आपको खिलाते हैं, आपको पिलाते हैं और आपकी नींद के लिए वो अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं और अपना चैन कुर्बान करके आपको अपने हाथों से पकड़ कर चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, और वही माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो तुम उनकी तजहीज और तकवीन करने से भी इंकार कर देते हो, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? हो सकता है कि तुम्हारी औलाद भी इसी तरह तुम्हारा साथ करेगी। यकीनन देखिए, मकाफात अमल से इंकार नहीं किया जा सकता। जी जी, माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है और देखिए, बार बार कहा गया है कि माँ बाप की अपने औलाद के लिए दुआ कभी रद्द नहीं होती। जी जी, तो जब माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है और बार बार ताकीद आई है
हदीसों में, कुरान में भी जो है ताकीद आई है कि आपको अपने माँ बाप के साथ जो है क्या जो है सलूक करना चाहिए। बाप को जो है जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा कहा गया है, माँ के कदमों तले जन्नत है। ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ की जो है कितनी बार 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 माँ की अहमियत बयान की है। तो बहरहाल जो है वालिद की अहमियत भी बयान की गई, माँ की अहमियत भी बयान की गई है। आपको तरबियत अखलाक वगैरह सारी चीज़ें पूरी वजाहत के साथ आपको जो है अहादीस में बयान कर दी गई हैं। उसके बावजूद अगर हम माँ बाप के साथ, बूढ़े माँ बाप, ज़यीफ़ माँ बाप, कमज़ोर माँ बाप, मजबूर माँ बाप के साथ अगर हम जो है इस तरह का सलूक करते हैं तो ये इसी दुनिया में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बार बार जो है कुरान में भी दुआ आई है, हुजूर ने भी कहा है कि आप दुआ कीजिए माँ बाप के लिए, अपने ज़यीफ़ माँ बाप के लिए, कि उन्होंने हमारे बचपन में हमारे साथ जो सलूक किया था, या अल्लाह तो इन पर रहम फरमा। जी हाँ, बेशक बेशक, ये तो ये जो दुआएं हैं ये इससे अंदाज़ा होता माँ बाप की अहमियत का। अब अंदाज़ा जी कीजिए कि खुद कई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारक है, कई ऐसे वाक़ात हैं जिसमें माँ बाप की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। वो तो एक आपको होगा कि एक साहबी रसूल हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने बाप की शिकायत करते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने वालिद साहब को बुला कर लाओ। तो वालिद साहब आते हैं तो वालिद साहब की आंखों से आंसू रवां होते हैं और वो सोचते आते हैं, और जो सोचते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं कि तुमने ये सोच रहे थे तुम। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं उस उन साहबी को, नौजवान साहबी को, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर चीज़ किस तरह माँ बाप की अहमियत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम जो हैं, ये जो माँ बाप की अगर फरमाबरदारी करते हैं तो ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ है, और अल्लाह को जो नाराज़ करता है उसकी दुनिया भी ख़राब हो जाती है, उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है, और उसकी औलाद भी नाफरमान निकलती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि वही औलाद वही सलूक करती है जिस तरह उस शख्स ने अपने माँ बाप के साथ किया। बिल्कुल, यकीनन यकीनन जो है हमें बहुत जो है इस तरह के वाक़यात से इबरत लेने की ज़रूरत है, इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करने की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है समाज और माशरे में कि माँ बाप की ये अहमियत है और आज जो है औलाद अपने माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक कर रही है। सिद्दीक साहब, सज्जा साहब, आपको मैं बता दूं कि माँ बाप की अज़मत का वाक़या सुनिए कि हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ़ अकनाफ में ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ के बच्चे बाहर जा चुके हैं, यूएसए, यूरोप के, यूरोपियन कंट्रीज़ जा चुके हैं या मिडल ईस्ट में हैं, तो वो अपने माँ बाप को अद्वियात के पैसे भेज देते हैं, कुछ खर्च भेज देते हैं। अरे मेरे भाई, उनको खर्च की ज़रूरत नहीं है, उनको अद्वियात की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी यानी हमदर्दी की ज़रूरत है, आपकी खुरबत की ज़रूरत है। वो आपके बच्चों को देखना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये उनकी किस्मत में नहीं, पता नहीं क्या है। लेकिन मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा है, वो मैं जानता हूँ, मेहदीपट्टनम में वो फैमिली रहती है और नॉन मुस्लिम है, और उनके घर में आप जाएंगे तो उनके फ्लैट में दो फोटोज़ लगे होंगे और दो फोटोज़ पर फूल मालाएँ चढ़ी होंगी, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे जो हिंदू भाई है, फूल मालाएँ उन तस्वीर पर चढ़ाती हैं, जो मर जाते हैं जो लोग उनकी तस्वीर पर चढ़ाती हैं। तो दो नौजवान बच्चे हैं, खूबसूरत हैंडसम बच्चे हैं, उनके जो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं उन पर फूल माला चढ़ी हुई है। तो वो फूल मालाएँ जो चढ़ाई गई हैं उनके बाप ने बतौर एहतजाज, बतौर बरहमी और गुस्से के चढ़ाई हैं, क्योंकि ये बच्चे जो थे वो अमेरिका जा चुके हैं और ये बाप को और माँ बाप को पूछ कर नहीं देखते, और उसी वजह से वो कहता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए मर गए हैं। तो ये है कितनी इबरत की बात है। यकीनन ये बहुत ही इबरत अंगेज बात है, और इस तरह के देखिए बहुत सारे वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। हमारे एक जो है जान पहचान वालों ने भी ये कहा था कि एक बूढ़ी माँ अपने फ्लैट में, उनके पड़ोस में वो रहती है बिल्डिंग में, अपने फ्लैट में तन्हा रहती है, और उनके बच्चे जो अमेरिका में हैं इनको पड़ोसी से कहते हैं रोज़ाना फ़ोन करके, ज़रा उनका ख्याल कीजिए, उनको जो है उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनको जो है ज़रा बाहर से खाना ला के दीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए क्या जो है अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। एक बूढ़ी माँ तन्हा अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है और पड़ोसियों के रहम करम पे, कितनी अफसोस की बात है। माँ माँ दुनिया की बहुत बड़ी दौलत, यहाँ तक कि आपको आपकी बख्शिश का जरिया बनने वाली है माँ बाप। अगर उनके साथ इस तरह का सलूक करवा रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है और इंसानियत की तबाही व बर्बादी का बाहिस बनेगा ये चीज़। बहरहाल, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और हमारे मेहमान सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।